बिजनौर में इन दिनों आवारा और पालतू कुत्तों से लोगों का जीना बेहाल हो गया है। ताजा तरीन मामला उस वक्त आया जब 6 साल की मासूम बच्ची का पालतू कुत्ते ने कान चबा डाला और शरीर पर कई गहरे जख्म से लहूलुहान कर दिया। पीड़ित के परिजनों ने कुत्ते की मालकिन और बेटे के खिलाफ थाने में संगीन धाराओं में केस दर्ज किया है। दरअसल बिजनौर के नूरपुर थाना इलाके के शहीद नगर के रहने वाले धर्म सिंह की बेटी नाव्या को 24 जनवरी को स्कूल से घर जाते समय प्रतिबंधित कुत्ते पिटबुल ने हमला कर मासूम बच्ची का कान काटकर गंभीर रूप से बच्ची को घायल कर दिया। उसके बाद परिजन मासूम को इलाज कराने के लिए मुरादाबाद के निजी अस्पताल में ले गए। पीड़ित के परिजनों की तहरीर पर कुत्ते की मालकिन अमरजीत की पत्नी और पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। मेरी बेटी स्कूल से आ रही थी और उसे बीच रास्ते में ऑटो रुका तो वहां पर एकदम से एक कुत्ता आया और उसको ऑटो में से खींच लिया। और उसका मकान मालिक भी पीछे से आया, बट उसने कोई भी बचाने का ज्यादा प्रयास नहीं किया। ऑटो वाला भी साइड से खड़ा था, वो भी डर गया था। और बाकी बाद में मोहल्ले वाले आए, पहले तो उसको झिझोड़ा, अगर वो बचा सकते माँ और बेटे तो दोनों बचा सकते थे। उसके बाद में जब उसको ज्यादा सीरियस हालत हो गई तो उधर से मुसलमान के लड़के और बाकी मोहल्ले वाले आए, तब जाके उसको बचाया। दिनांक 24 तारीख को एक नव्या नामक लड़की को जो है स्कूल से आते समय जो है एक अमरजीत के पिटबुल ने काटा था जो है, उनके द्वारा जो तहरीर दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही इसमें विधिक कार्रवाई पूर्ण करके आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया जाएगा। आरोपी गिरफ्तार की गई है सर, चल रहा है इसमें विवेचना, अभी रात ही मुकदमा लिखा गया, विवेचनात्मक कार्रवाई चल रही है। क्या सर उचित धाराएं हैं इसमें, देख लिया जाएगा। इसमें मेडिकल रिपोर्ट जो भी बताएगा उसके आधार पर जो है जो इनके तहरीर है और तहरीर पर जो मेडिकल रिपोर्ट इसमें आई हुई है, मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर समुचित धाराओं में आरोप पत्र प्रेषित किया।